हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो की शुरुआत है वो मैं कर रही हूँ अभी सुबह सुबह, रात सुबह के 10 बजे हैं। बहुत भी सुबह नहीं है, गर्मी के टाइम के लिए तो बहुत लेट हो गया रहता है। तो अभी मेरा नहाना कर मैं आ गई हूँ और मैं रेडी भी हो गई हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैं पूजा करूँगी क्योंकि आज पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया है। तो चलिए फटाक से मैं पूजा कर लेती हूँ और आप वीडियो में आगे बने रहिएगा क्योंकि आज का जो मेरा ये ब्लॉग है ये मेरा पूरा डे रूटीन होने वाला है कि पूरे दिन मैं आज क्या की, इसके विषय में ये पूरा वीडियो है। तो आई होप आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको इन्जॉय भी करोगे आप, और आपको वीडियो में बहुत चीज़ अलग अलग चीज़ देखने को भी मिलेंगे आज क्योंकि हमारा बहुत कुछ प्लान है आज के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा और मैं जल्दी पूजा कर लेती हूँ इससे पहले कि और लेट हो जाए। आप देख सकते हो किसो यहाँ पे सो रही है क्योंकि नानी घर में वो थोड़ा जल्दी उठ जाती है, तो वो जल्दी ही जैसे ही नहाती वहाती है उसको नींद आने लगता है। तो अभी मैंने उसे सुला दिया है और अब मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ इससे पहले वो उठ नहीं जाए, नहीं तो वो पूजा करने नहीं देगी और बहुत परेशान भी करने लगती है। तो अभी अब घर में पूजा हो गया है और घर के पास में ही एक मंदिर है, मैं वहाँ भी जाऊँगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको भी कैसे लग रहे हैं मेरे राधा कृष्ण, और साथ में आपको मैं अपने मंदिर भी ले चलूँगी। कैसे लग रहे हैं मेरे राधा कृष्ण आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस घर के कुछ ही दूर पे ये मंदिर है, आप देख सकते हो गेट जैसा आपको दिख भी रहा होगा। तो चलिए मंदिर में भी मेरा पूजा हो गया है और अब मैं घर जाऊंगी। ये जो मंदिर है इसको हम लोग नौलखा मंदिर कहते हैं क्योंकि यहाँ 9 देवी देवता हैं टोटल, तो इसलिए इसको नौलखा मंदिर हम लोग कहते हैं। और ये बहुत ही मतलब नामी है, यहाँ पे शादी और भी बहुत सारी चीज़ होती है इस मंदिर में। तो चलिए अब फटाक से घर चलते हैं क्योंकि देर काफ़ी हो गई है, किसू भी उठने ही वाली होगी। बनी रही आगे वीडियो में। तो अब मैं पूजा करके आ गई हूँ और लग गई है भूख जोर से, तो चलिए अब चल करके नाश्ता भी कर लेती हूँ मैं। मम्मी खाने में क्या क्या बनाई है आज नाश्ते में? नाश्ते में बना है यहाँ पे आप देख सकते हो सरसों का सब्जी है आलू बैंगन का, तो मैं इसे जल्दी से अपने प्लेट में निकाल लेती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। मैं जब भी आती हूँ अपने ससुराल से यहाँ पे तो मम्मी को मैं यही बोलती हूँ कि मेरे लिए तुम अपने हाथों से बना हुआ आलू बैंगन का सरसों का सब्जी और चावल मैं यही खाऊँगी। और यहाँ पे आम की लॉन्ची है पर मैं इसे अभी लूँगी नहीं, ये रात के लिए ही सही है। तो चलिए चलिए से मैं अब रोटी भी ले लेती हूँ और रोटी और सब्जी खाते हैं। मम्मी यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मेरे लिए घी लगा कर रोटी रखी है क्योंकि मम्मी के पूरा ये रहता है तरफ से कि नहीं घी लगा करके ये रोटी खाना है। किशु सो करके उठ गई है और उठते साथ इसका चॉकलेट के लिए रोना चल रहा है। कौन खाएगा ये? किसु मेरे को खिलाएगी? खिला दो ना प्लीज, मम्मी है ना, नहीं खिलाएगी। चलो एक तुम खा लो और एक मम्मी को खिला दो। हाँ हाँ हाँ, और एक खिला दो, एक चॉकलेट खिला दो, खिला तो दो। तो तुम मम्मी से प्यार नहीं करती हो? और तुम आज हाय नहीं की किशु, हाय कर दो। हाय। नाश्ता करने के बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि दोपहर के टाइम में नाश्ता करने के बाद तो नींद आ ही जाती है। और अब मैं करने वाली हूँ अपना अपने फेस के लिए कुछ पैक बनाऊंगी जो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और क्या है कि घर आने के बाद धूप में निकलना ज़्यादा हो जाता है तो जिसके कारण फेस पे काफ़ी सारे टैन आ जाते हैं और मेरे डार्क सर्कल भी थोड़े थोड़े ज़्यादा ही आ गए हैं। तो मैं इसके लिए एक पैक बनाने वाली हूँ, एक नहीं मैं दो पैक बनाऊँगी और मैं दोनों फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और आप लोग भी वो अपने घर पे ट्राई कर सकते हो और आपको भी उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं जब भी धूप में निकलती हूँ और मैं वो फेस पैक बनाती हूँ और फिर अपने फेस पे लगाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा उससे बेनिफिट्स मिलता है। तो आप लोग भी उसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फेस पैक बनाती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ और लगाते हैं फिर। तो फेस पैक मैं बनाने जाऊँगी, उससे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब सुबह मैंने अपना जो डेली मेकअप होता है वो मैंने अपने फेस पे किया था, तो डायरेक्ट उस पर हम फेस पैक नहीं लगा सकते। तो इसके लिए पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम उसे फेस पैक लगाएंगे। तो चलिए फेस को अच्छे से मैं क्लीन करके आ जाती हूँ। तो मैं फेस पैक तो रेडी करने जा ही रही थी, पर तभी मम्मा बोली कि नहीं पहले खाना खा लो फिर अपना फेस पैक वगैरह रेडी करना और चाय अपना लगाना। तो मैं बोली चलो वो भी सही है, क्योंकि वो सब करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फेस पैक लगाने के बाद कुछ देर उसे छोड़ना भी होता है। तो मैं पहले खाना ही खा लेती हूँ और फिर आप लोग के साथ मैं फेस पैक मैं कैसे बनाती हूँ वो सब इंग्रेडिएंट्स वगैरह शेयर करूँगी। तो चलिए फटाक से मैं खाना खा लेती हूँ। तो अभी दोपहर के खाने में मम्मा ने बनाया है चावल दाल और आलू बैंगन की सब्जी, तो मैंने सुबह आपको बताई थी सरसों वाली मेरा फेवरेट, और भिंडी का भुजिया है, करेला का भुजिया है। तो चलिए मैं फटाक से खा लेती हूँ और फिर उसके बाद फेस पैक का वीडियो शेयर करूँगी। खाना खा करके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, तो चलिए अब फेस पैक बनाना रेडी करते हैं। फेस पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये दही लिया है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, और एक टमाटर है, इसे मैं बीच से आधे आधे में काट लूँगी। तो ओके मैं इसे काट लेती हूँ। मैंने ये टमाटर को भी आधे आधे भाग में काट ली हूँ और इसे अब मैं दही में डिप कर दूँगी, और इसे दही में डिप करके लगभग मुझे 5 मिनट तक रखना है। तो इसी तरीके से मैं इसे डिप करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इसका रखा हुआ 5 मिनट हो गया है और अब चलिए इसे फेस पे रब करते हैं। तो मैं अब इसे अपने फेस पे रब करूँगी। आप इसे अपने फेस के अलावा अगर आपके गले पे या कहीं भी सन टैन हो जाता है तो आप उस हर जगह पे इसे टैन मतलब रब कर सकते हो, अपने हैंड पे, बैक पे, नेक पे, क्योंकि ये क्या है कि ये एक टैन रिमूवल पैक है। तो इससे क्या होता है, धूप में निकलने के कारण जो आपके चेहरे पे काले पड़ जाते हैं, चेहरा या गला हाथ, तो आप वो सब जगह पे इसे रब कर सकते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ये मैंने खुद से ट्राई किया है और अभी खुद भी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरीके से हम रब करेंगे। किसी को लग रहा है उसकी मम्मा क्या कर रही है, इसीलिए वो थोड़ा सा रोना चालू कर दिया है। इस तरीके से, और थोड़ा हार्ड हार्ड करना है ताकि अच्छे से रब हो, यानी कि सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसा नहीं है, थोड़ा टमाटर को अच्छे से दबा करके और फिर रब करना है। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, नो नो आ इधर आ, कंटिन्यूअसली इसको ऐसे 15 मिनट तक आपको रब करना है, और आप देख सकते हो इसे ऐसे ऐसे रब करते करते टमाटर के परखच्चे उड़ गए हैं। तो आप बस ऐसे ही इसे अच्छे से रब करो, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो करना ही है। और इसके बाद अभी सब नॉर्मल पानी से इसका फेस धो लेंगे हम अपना, जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा वार्म वाटर या फिर बर्फ़ वाला पानी लेने का, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल वाटर से आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए बस। तो चलिए अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो अभी मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ और आप देख सकते हो कि पहले से कितना सही लग रहा है अभी चेहरा, और आपको ना अंदर से फ्रेशनेस भी काफ़ी लगेगा ये सब ट्राई करने के बाद बेटा। तो चलिए अब मैं इसे पोंछ लेती हूँ।
कभी भी जब अपना फेस मतलब पोछते हो तौलिए वगैरह से, कभी भी रगड़ के मत पोछो, हमेशा बहुत ही सॉफ्ट से ऐसे 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 करके पोछो। उससे क्या होता है ना कि आपकी स्किन को हार्ड नहीं होता है, वो खींचता नहीं है, तो इसलिए कभी भी अपने खास करके स्किन को अच्छे से मतलब तौलिए से पोछो। तो अभी आप देख सकते हो मेरी स्किन को कितना फ्रेश लग रहा है ना और ग्लोइंग, और ये आईज़ के पास जो डार्क सर्कल्स वगैरह या अजीब सा दिख रहा था थोड़ा फेस, देखिए क्लीन करने के बाद कितना फ्रेश दिख रहा है ये, है ना। तो आप भी इस फेस पैक को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मैं श्योर हूँ कि बेनिफिट तो जैसे मुझे देखने को मिलता है आपको भी देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा। आप जो भी लगाते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं यही मॉइस्चराइज़र लगाना है तो अच्छा ग्लो आएगा या ब्राइटनेस आएगी स्किन पे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी स्किन को जो सूट करता हो आप वो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। मैं लोटस का लगाती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत सही लगता है और मेरी स्किन को भी ये काफ़ी सूट करता है। मैं इसे लगभग 5-6 महीने से लगा रही हूँ और ये मुझे बहुत ही सही लगता है, तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। और आप भी जब भी फेस पैक लगाना तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर अपने फेस पे लगाना। एंड सेकेंड, अभी मैं आपको एक और पैक बताने वाली हूँ जो कि हमारे फेस के लिए होगा पर एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए होगा, जैसे हमारे लिप्स के लिए। क्या होता है, हमारा लिप्स कभी कभी ना ब्लैक पड़ जाता है। मुझे ऐसा जैसा लगता है कि हम रोज़ ही लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं, शायद इसकी वजह से हमारा लिप्स जो है वो थोड़ा, तो चाहे आप जैसा भी लो थोड़ा तो इफ़ेक्ट करता ही है, तो उससे क्या है कि आपके लिप्स जो है तो ब्लैक थोड़े थोड़े हो जाते हैं। तो मैं उसके लिए अभी आपको एक पैक बताने वाली हूँ और मैं वो खुद ट्राई भी करूँगी अभी। तो उससे क्या होगा कि आपका फेस बहुत ही सही रहेगा और जो यहाँ पे डेड सेल वगैरह जो आ जाते हैं, वाइट वाइट हो जाता है पपड़ी जैसा, तो क्या होता है कि बहुत लोग उसको दांत से खींच लेते हैं। मैं खुद भी करती थी पहले, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और का बता रही हूँ, मैं खुद भी ऐसा करती थी। पर मैंने ये मतलब देखा था एक बार इंस्टाग्राम पर और मैंने उसका जैसे ट्राई किया इस पैक को, तो उसके बाद से मेरे ये आदत भी छूट गए क्योंकि मेरे को पपड़ी आया ही नहीं उसके बाद। तो इसलिए मैं आपके साथ भी वो शेयर कर रही हूँ और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड आई होप आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप ये लिप्स के लिए अपने ये जो मैंने पैक अभी बताऊँगी इसको अगर ट्राई करते हो तो। ओके, तो चलिए मैं वो सेकेंड पैक भी आपके साथ अब शेयर कर लेती हूँ। तो सेकेंड लिप पैक के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी लूँगी और इसमें हम थोड़ा सा दूध भी लाएंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से, जो हमने ये जो पेस्ट तैयार किया है हल्दी और दूध का, इसे हम अपने लिप्स पे लगाएंगे। और इसे लगा करके आपको ना 5-10 मिनट रखना है और उसके बाद इसे अच्छे से रब कर करके, मतलब अच्छे से ऐसे ऐसे रब करना है इसको अच्छे से, और उसके बाद इसको वॉश कर लीजिएगा अच्छे से, फिर ओट को अच्छे से क्लीन करके। तो अब मतलब हल्दी और दूध का पैक लगाया हुआ मेरा हो गया था 5 मिनट, तो मैंने उसे रब कर करके और मैं उसे धो ली हूँ। अब आप देख सकते हो कि कितना अच्छा क्लीन लग रहा है और बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आई होप आपको मैंने जो भी आज 2 पैक बताए, एक फेस पैक और एक लिप पैक, वो आपको अच्छा लगा होगा और आप ट्राई ज़रूर करना। मतलब अभी अच्छा लगा हो या ना लगा हो पर आप एक बार ट्राई करना, उसके बाद ज़रूर आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इससे बेनिफिट मिलते हैं, ये काम करता है। तो इसीलिए आप ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। किसे डांस करो? कोको कोला पे। अरे वाह। और हाथी हाथी पे भी करो। हाथी राजा कहाँ चले, सूर हिला कर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर मटर चटर मटर। जॉनी जॉनी पापा। नो नो, यस पापा। ईटिंग सुगर? Telling a lie? No, papa. Open your mouth? Ha. Ha ha. अच्छा अच्छा। रात के खाने में मोमो का प्रिपरेशन हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पे चटनी के लिए टमाटर उबल गए हैं, मतलब बॉयल कर लिया है हमने इसे पानी में। और अभी मैं नहीं बताऊँगी मैं कैसे बना रही हूँ, वो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा कि हमने कैसे बनाया है मोमो। और अभी फ़िलहाल मैं प्रिपरेशन दिखा रही हूँ आपको कि हमारा मोमो का प्रिपरेशन चल रहा है।
मेरी बहन सारे वेजिटेबल्स क्रश कर रही है। ये आप देख सकते हो मोमो का फिलिंग रेडी हो गया है और आटा भी गूंद के रेडी हो गया है। अब बस हम लोग उसका फिलिंग करना चालू करने वाले हैं। चलिए फटाफट से वो भी कर लेते हैं। मेरी बहन मतलब उसका फिलिंग भरने के लिए जो मैदा का आटा हम लोग छानते हैं उसका लोई बना के रख ले रही है ताकि आसानी रहता है भरने में। और यहाँ पे हमने इडली का जो बर्तन होता है ना जिसमें इडली स्टीम करते हैं वो हम लोगों ने चढ़ा दिया है। हम लोग मोमो इसी में स्टीम कर लेते हैं क्योंकि अब एक मोमो बनाने के लिए मोमो का बर्तन अलग से क्या लेना, हम लोग बहुत जुगाड़ू लोग हैं। इडली वाले पैन में भी मोमो स्टीम कर लेते हैं। फाइनली हमारा मोमो बन के रेडी हो गया है और बनाते बनाते हमें काफ़ी जोर की भूख लगी है तो अब हम बस फटाक से इसे खाने वाले हैं। आप देख सकते हो कितना लजीज बना है। आप लाख बाहर के मोमो खा लो वो बहुत टेस्टी होंगे, बहुत अच्छे भी होंगे, पर घर में क्या होता है ना आप सिंपली भी बनाओ पर वो बहुत टेस्टी बनता है। घर की कुछ और ही बात होती है और ख़ास करके सबसे जो मेन पॉइंट है वो है हेल्दी होता है। ऑसम, बहुत ही अच्छा बना है ये। और आई होप जैसा ये अच्छा बना है मेरा ब्लॉग भी आज का ऐसा ही अच्छा बना होगा और आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे क्योंकि आज एक ही दिन के ब्लॉग में बहुत कुछ मैंने आप लोगों को दिखलाया। बिकॉज ये मतलब मेरा पूरा डे रूटीन टाइप का था, हम लोग आज क्या क्या किए वो पूरा मैंने आप लोगों को बताया है। तो ऐसे ही बस मेरे वीडियो को आप लोग अपना प्यार दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और ज़्यादा मिलेगा तभी तो और अच्छे अच्छे वीडियो और भी नए नए कंटेंट के साथ वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।